हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन की स्टिचिंग करूँगी। तो बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर रखी है, ऊपर से शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है, चेस्ट है 36, फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच, 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है, वेस्ट है 32, फोर्थ पार्ट होगा 8 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। 1.5 इंच से आर्म होल की साइड बुलाई देंगे, ऊपर से नेक बेल्ट लेंगे 2.3 इंच और लेंथ लेनी है 10.5 इंच। नीचे से नेक बेल्ट लिया है 2.5 इंच, दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक के लिए राउंड में शेप देना है। पूरे नेक पर हाफ सर्कल बनाना है। तो ये हाफ सर्कल बनाते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि पूरे नेक पर सर्कल बनाना है तो एक ही साइज में बनाना है। तो आप चाहें तो 1.75 इंच पर मार्क कर लें पूरे नेक पर और उसके बाद ये सर्कल बनाएं। इसी तरह से हमें मार्किंग करनी है कैनवास पेपर पर। लेंथ ली है मैंने 12 इंच और विड्थ है 4.5 इंच। टू फोल्ड में है ये, पार्ट की फोल्ड साइड और कैनवास की फोल्ड साइड एक तरफ रखते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हल्की मार्किंग दिख रही है, उसको हमें डार्क करना है। उसके बाद हमें इस पार्ट को इस तरह से पिनअप कर लेना है। और फिर कटिंग करनी है, जहाँ पर हमने मार्किंग करी है उसी के ऊपर कट करना है। अब हमें बैक पार्ट को ओपन करना है और रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे और स्टिचिंग करनी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि पार्ट के अंदर कोई सलिया क्रीज नहीं आनी चाहिए। और चारों तरफ से स्टिचिंग करने के बाद साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब हम पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे, ऊपर से कट लगाएंगे और सेंटर से मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने फैब्रिक का पीस लिया है नेक वाले पैच की शेप में और राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग को रखा है। और नेक वाले पैच को फोल्ड करके नेक की मार्किंग हमें दूसरी साइड भी कर लेनी है और इस तरह पैच को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए स्टिचिंग करनी है नेक के शेप में और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हमें हाफ सर्कल के ऊपर स्टिचिंग करनी है, कॉर्नर की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमें कैनवास को दबाते हुए सिलाई लगानी है और कॉर्नर की लगानी है। यह सिलाई लगाने के बाद सर्कल की साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए और इस तरह से सर्कल की साइड से भी हम कट लगाएंगे और नेक की शेप में कट करेंगे अंदर से। तो इस तरीके से हमें इस डिज़ाइन को पलटना है। और पलटने के बाद हमें 1 फुट के गैप से सिलाई लगानी है। पूरे ही हाफ सर्कल पर हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे।
ये मैंने 3 इंच की पट्टी ली है और 2 फोल्ड में रखते हुए स्टिचिंग करनी है। तो इसकी लेंथ है 2.5 मीटर। इससे हमें फ्रिल बनानी है, तो सबसे पहले स्टिचिंग कर लेंगे, उसके बाद हमें इसके ऊपर फ्रिल बनानी है। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि सारी फ्रिल इक्वल में होनी चाहिए, कोई छोटी या कोई बड़ी, इस तरीके से नहीं। और पूरी पट्टी पर इस तरीके से फ्रिल बना लेंगे। और अब हमें सर्कल वाली डिज़ाइन को इसके ऊपर रखना है और स्टिचिंग करनी है। इसके ऊपर रखते हुए 1 फुट के गैप से ही सिलाई लगानी है। और अंदर से एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर लेना है। बैक पार्ट को ओपन करना है और रॉन्ग साइड पर रखना है। उसके ऊपर हम फ्रिल को भी हम उल्टा ही रखेंगे और फ्रिल के ऊपर जो स्टिचिंग दिख रही है उसी के ऊपर हमें स्टिच करना है। उसके बाद हमें नेक के अंदर के कपड़े को कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और इस तरीके से पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। और अब हमें फ्रिल को राइट साइड पलट कर कॉर्नर की सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमें पूरे नेक पर लगानी है। उसके बाद हमें हाफ सर्कल वाली डिज़ाइन पर भी स्टिचिंग करनी है कॉर्नर की सिलाई लगाकर। तो यहाँ पर हमें कॉर्नर पर ही सिलाई लगानी है। और अब हमें सेंटर से फोल्ड करना है पार्ट को और बैक टक्स के लिए मार्किंग करनी है। विड्थ ली है मैंने 4.5 इंच और लेंथ लेंगे 4.5 इंच। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन से हाफ हाफ इंच लेना है दोनों साइड और टक्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। और यही मार्किंग हमें पार्ट के दूसरी साइड लगानी है। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे, पार्ट को फोल्ड करके और दूसरी साइड भी हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे टक्स पर और फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है। अब हमें कमर पट्टी लगानी है। 1.5 इंच की पट्टी ली है और 1 फुट के गैप से सिलाई लगानी है पूरी वेस्ट पर। पट्टी को खोलते हुए पट्टी के कोने पर सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगानी है पट्टी के ऊपर। तो इस तरह से कमर पट्टी लगा ली है मैंने। और अब हमें सर्कल के साइड से बीट्स लगानी है। तो सुई और धागे की मदद से हमें बीट्स लगानी है। यहाँ पर मैंने फुल लेयर में धागे को सुई में डाला है और इस तरह से अच्छे से टक कर लेना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।